डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन अली जीएस क्लासेस। आज मैं आपको एएमयू बीए ऑनर्स की तैयारी कैसे करेंगे उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसलिए पूरे वीडियोस को आप बड़े ही गौर से देखें ताकि आप इसकी तैयारी सही तरह से कर सकें। मैं इसकी तैयारी का तरीका बताऊंगा और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को भी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा मैं आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है उसके बारे में बताऊंगा, या उसके लिए अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं तो इसके बारे में भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। जाहिर सी बात है कि किसी भी टेस्ट की तैयारी करने के लिए, यानी आप अगर आपको बीए ऑनर्स की तैयारी करनी है तो सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर देखना चाहिए। सवाल किस तरह के आए थे और किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए थे। बीए में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें इंग्लिश 25 मार्क्स के, इंडो इस्लामिक 25 मार्क्स के, जीके 40 मार्क्स के और रीजनिंग 10 मार्क्स के। इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले 2018-19 के एएमयू के पेपर्स को। ये देखिए, एएमयू बी ऑनर्स एंट्रेंस एडमिशन टेस्ट पेपर 2018-19, यानी इस साल जो 18 में जो बीए का टेस्ट हुआ था उसके ये सवाल उसमें पूछे गए थे। पहले ये भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कि बीए का फॉर्म जनवरी के फर्स्ट वीक में निकलने वाला है और आपका टेस्ट जो होगा वो 7 अप्रैल को होगा। इसलिए आप अभी से ही तैयारी इसकी शुरू कर दें ताकि वक्त से पहले आपकी तैयारी पूरी हो सके। तो आइए देखते हैं इस पेपर को। सबसे पहले यहाँ से इंग्लिश के सवाल थे। इस साल जो इंग्लिश में सवाल पूछे गए थे वर्ड्स मीनिंग टाइप के करीब करीब 7 क्वेश्चंस थे और इडियम्स एंड फ्रेजेस टाइप के 4 क्वेश्चंस थे, कंजक्शन के 1-2 क्वेश्चंस, वर्ब के 2 क्वेश्चंस, प्रीपोजिशंस के लिए प्रीपोजिशन पे जो क्वेश्चन थे वो 4 थे, वॉइस पे 2 क्वेश्चंस, सिनोनिम्स पे 2 क्वेश्चंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे 1 क्वेश्चंस और कॉमन एरर्स पे 2 क्वेश्चंस थे। तो आइए देखिए वर्ड्स मीनिंग टाइप की इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द हाई प्राइसेस डिटर्ड अस फ्रॉम बाइंग एनीथिंग इन द मॉल, द व्हाट डिटर्ड मींस, इस व्हाट की मीनिंग आपको इसमें से बताने हैं। सारे आंसर्स आखिर में दिए हुए हैं और ये आप चाहें तो ये क्वेश्चंस पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में है। पहले डाउनलोड करने के बाद आप इसे खुद बनाने की कोशिश करें, आंसर को बाद में देखें, यानी पहले बना लें फिर आंसर को देखें और देखने के बाद आप पहले उस पर मार्किंग करें कि आपने कितना सही किया कितना गलत किया और फाइनली आपने कितना स्कोर किया, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, आप का लेवल क्या है और आपको और कितनी तैयारी की जरूरत पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं इस तरह से डेटर्ड मीन्स या एफ्लुएंस मीन्स इस तरह के क्वेश्चंस और यहाँ पे फ्रेज टाइप की चीजें दिए हुए हैं, इडियम्स एंड फ्रेज, कॉल ऑफ मीन्स क्या होगा, कैच ऑफ मीन्स क्या होगा, डन अवे विथ मीन्स क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चंस आए। यहाँ पे देखिए कंजक्शन का क्वेश्चंस, फिर यहाँ पे देखिए इस तरह के सवालात, वर्ब भरने के सवालात, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे अंडरलाइन जो ये फ्रेज दिया हुआ है उसके मीनिंग को आपको यहाँ से बताना है। उसके अलावा ये सब क्वेश्चंस को आप देखें, यहाँ से देखिए प्रीपोजिशंस के क्वेश्चंस और यहाँ फिर ये इसका आपको मीनिंग यहाँ से इसमें से सिलेक्ट करना है। ये देखिए पैसिव वॉइस बनाना है, वॉइस का ये भी क्वेश्चन है और इस तरह से ये देखें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस तरह से क्वेश्चंस आपके इस साल आए थे। आप इन क्वेश्चंस पे अच्छी तरह से निगाह डाल लीजिए ताकि आपको तैयारी में हर तरह की मदद मिले।
यहां तक हो गए 25 ये इंग्लिश के क्वेश्चंस। अब इसके बाद इंडो इस्लामिक और जीके के क्वेश्चंस। पहले तो इंडो इस्लामिक में जो क्वेश्चंस आए थे उसमें प्योर इस्लामिक कल्चर, यहां से देखिए प्योर इस्लामिक कल्चर शुरू है। प्योर इस्लामिक कल्चर से 8 क्वेश्चंस आए थे, अलीगढ़ मूवमेंट एंड सैयद से 5 क्वेश्चंस आए थे, और मेडिवल हिस्ट्री से 12 क्वेश्चंस आए थे। इस तरह से 25 क्वेश्चंस इंडो इस्लामिक और जीके के थे। आप ये देखते चले इस तरह के ये क्वेश्चंस आए थे, ये सब आपके इंडो इस्लामिक के क्वेश्चंस हैं। ये आप देख रहे हैं। अब यहां से देखिए ये सब अलीगढ़ मूवमेंट एंड सर सैयद से ये क्वेश्चंस। और इंडो इस्लामिक यहां तक 50 तक। अब इसके बाद जीके के 40 क्वेश्चंस हैं। तो जीके में जो क्वेश्चंस जो पूछे गए इसमें भी मेडिवल हिस्ट्री से 10 क्वेश्चंस, मॉडर्न हिस्ट्री से 5 क्वेश्चंस, इंडियन पॉलिटिक्स से 6 क्वेश्चंस, बुक एंड ऑथर्स से 6 क्वेश्चंस, अवार्ड एंड ऑनर्स से 2 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट डेज 2 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी से करीब करीब 5 क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स से 2 to 3 क्वेश्चंस, एंड जनरल साइंस के बारे में 2 क्वेश्चंस पूछे गए, यानी 40 क्वेश्चंस जीके के पूछे गए। आप यहां से ये देखते चलें ये सब जीके के क्वेश्चंस। ये सारे सवाल आप देख रहे हैं जीके। बुक एंड ऑथर्स से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए। इसमें जाहिर सी बात है करंट जीके के भी क्वेश्चंस हैं। ये देखिए करंट जीके के क्वेश्चंस। करंट जीके से भी करीब करीब 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे गए। और इन करंट जीके के लिए मैंने टेस्ट से पहले 2 करंट जीके के वीडियोस अपलोड किए थे, उसी से सारे क्वेश्चंस आ गए थे। ये आप सब देख रहे हैं ये सब सारे जीके के क्वेश्चंस। यहाँ 90 तक जीके के क्वेश्चंस हैं, और ये 91 से जो ये क्वेश्चंस जो शुरू हो रहे हैं ये सब रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। तो रीजनिंग में जो पूछे गए थे उसमें नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चंस, और रिलेशन बताने का के लिए एक क्वेश्चन, और मैथमेटिकल टाइप के 3 से 4 क्वेश्चंस थे। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज से 2 क्वेश्चंस थे। इस तरह से ये 10 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के थे। अब यहाँ पे सबका आंसर दिया हुआ है जो एमयू ने प्रोवाइड किया था, इससे आप आंसर को अपने मिलाएंगे। लेकिन पहले आप खुद इसे करने की कोशिश करें, बाद में आंसर को मिलाकर देखें कि आपने कितना सही और कितना गलत किया, और कैलकुलेट करने के बाद आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे, इसकी तैयारी के लिए किन किन बुक्स का आप सहारा लेंगे। किसी भी चीज की टेस्ट की तैयारी करने से पहले उसके प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चंस पेपर को जरूर देखें। बुक्स फॉर प्रिपरेशन, पहले आप सी प्रीवियस ईयर्स एएमयू टेस्ट पेपर्स, करीब 5-6 साल अभी टेस्ट को हुए हो रहे हैं, तो आप इन 5-6 साल के क्वेश्चंस पेपर को देखिए। इससे भी बहुत सारे सवाल सेम टू सेम आ जाते हैं, और इससे आपको ये अंदाजा भी हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब इसके लिए कौन सी आप बुक पढ़ेंगे, तो इंडो इस्लामिक कल्चर एंड जीके के लिए आप अलीक श्योर सक्सेस पढ़िए। अलीक श्योर सक्सेस आप पढ़ेंगे तो इससे आपके बहुत ज्यादातर पोर्शन आपके कवर हो जाएंगे। और इंग्लिश ग्रामर के लिए कोई भी प्लस टू लेवल इंग्लिश ग्रामर की बुक पढ़िए, उससे जो है कि नहीं आप प्रैक्टिस करें। उसके अलावा रीजनिंग के लिए भी कोई भी प्लस टू लेवल की रीजनिंग, जो जो चीजें रीजनिंग में पूछे जाते हैं उन चीजों पे ज्यादा जोर दीजिए, उन्हें उन पे प्रैक्टिस करिए। लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, रिलेशन एंड कुछ मैथमेटिकल चीजें। करंट जीके के लिए आप मेरे चैनल को देखिए। टेस्ट से कुछ पहले मैं करंट जीके पे कुछ लेक्चर अपलोड कर दूंगा, उम्मीद है कि उससे सवाल बिल्कुल आ जाएंगे। आप अलीक श्योर सक्सेस इंडो इस्लामिक एंड जीके की बुक का मैं आपको कवर पेज दिखा दे रहा हूँ,
ये बुक है अलेक्स योर सक्सेस इंडो इस्लामिक कल्चर एंड जनरल नॉलेज। इस बुक से आप इंडो इस्लामिक और जीके की तैयारी कर सकते हैं। इसमें इंडियन पॉलिटी भी है, हिस्ट्री भी है और ज्योग्राफी भी है। बुक एंड ऑथर्स भी हैं, अवार्ड एंड ऑनर्स भी हैं। इससे आपको काफी मदद मिल जाएगी। इसके अलावा इस चैनल पे मैंने बहुत सारे इंडो इस्लामिक के लेक्चर अपलोड किए हैं और इंग्लिश के भी लेक्चर अपलोड किए हुए हैं। जिन सारे लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से आप किसी भी लेक्चर को सुन सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो जाएगी। और आखिर में मैं ये बात बताऊं कि इसकी कोचिंग भी मैं अलीगढ़ में शुरू करने जा रहा हूं। जिन लोगों को कोचिंग करनी है, आप इस नंबर पे 8725204904 पे 6 PM to 9 PM यानी 6 बजे शाम से 9 बजे शाम को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे मेरा ऑफिस है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। बैचेज स्टार्ट करूंगा 2 जनवरी 2019 से। जो बाहर से आने वाले हैं, अगर बाहर से जो आना चाहते हैं, उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। उन्हें रहना, खाना पीना, सारी चीज़ों का इंतजाम किया गया है। एड्रेस ये होगा अलीग डीएस क्लासेस, क्वार्क्स एकेडमी, अपोजिट यूनियन बैंक, मेडिकल रोड, दोधपुर, अलीगढ़। अगर कोई बुक मंगवाना चाहता है, जाहिर सी बात है कि ये बुक जो है अलीग्स योर सक्सेस इंडो इस्लामिक एंड जीके, ये बुक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको अलीगढ़ में ही मिलेगी। इसलिए आपका अगर कोई जानने वाला अलीगढ़ में मौजूद है तो आप उससे कहिए, वो आपको खरीद कर भेज देगा। अगर नहीं तो आप इस नंबर पे मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 6 PM to 9 PM के बीच। ये बुक अगर आपको चाहिए तो ये बुक मैं आप तक पहुंचाने में आपकी मदद कर सकता हूं। उम्मीद है कि इन सारी बातों से आपको तैयारी में काफी मदद मिलेगी। और अगर आपने सही तरह से मेरे बताए हुए सारी चीजों को फॉलो करते हुए तैयारी की तो आपको इंशाल्लाह जरूर कामयाबी नसीब होगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा, तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरे हर वीडियोस की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।